केजरीवाल जी बैक हो चुके हैं, उनका सारा पोल खुल गया है और विकास का ढोल फूट चुका है, विकास कहीं हुआ ही नहीं। जिस तरह से जापान का टोक्यो, पेरिस, न्यूयॉर्क, आप जो है लंदन देखिए या बीजिंग देखिए, ऐसे शहर की तरह दिल्ली होना चाहिए था जो पूरे विश्व के लोग, 203 कंट्री के लोग आते हैं, एक नाक और एक इसका जो है मान होना चाहिए था। आज दिल्ली जो है गंदगी से भरा पड़ा है, आज हर तरफ कूड़े करकट लगे हैं, हर घर में गंदे पानी सप्लाई हो रहे हैं, बिजली के नाम पे, मीटर के नाम पे लूट हो रहा है, शराब बेचे जा रहे हैं, धंधा और चंदा हो हम सिर्फ महिलाओं को देने जा रहे हैं, जिसमें थर्ड जेंडर भी आती हैं, जिसमें विकलांग भी आते हैं, उन तमाम लोगों को हम लोग जो है 70 के 70 अब दिल्ली के अंदर उतारने जा रहे हैं। और यहाँ पे कमल और हाथ और झाड़ू को देखेंगे, एक मोहब्बत की दुकान लगा रहे हैं लेकिन मोहब्बत का आइटम और सामान नहीं है, तो ऐसी सूरत में हर कोई पूजा पाठ और नमाज पढ़ने में लगे हैं तो देश को कौन संभालेगा। विश्वविख्यात एमयू दुआ साहब, विश्वविख्यात मानवाधिकार, आज मानवाधिकारी ह्यूमैनिटी, इंसानियत जो कुछ कहें उसको लेकर तमाम पार्टियों को तो आप धोते रहे हैं मंचों पर और कहते रहे कि सियासत में कूदना ही अपने हाथ गंदे करने की तरह है। फिर ऐसा क्या हुआ कि एकदम से आपने भी उसी पंख पयोद में कूदने का फैसला कर लिया? जर्नलिस्ट महोदय बिल्कुल सही कहा कि आज मानवता का हनन हो रहा है, मानवता को हत्या किया जा रहा है। आज हमारी खास करके बच्चियों को, माताओं को, औरतों को जो है जलील किया जा रहा है। 3 महीने की बच्ची और 70 साल की बुजुर्ग महिलाओं के साथ अत्याचार बेविचार हो रहा है, लूट का बाजार है। आज जो हम 150 करोड़ की आबादी कहते हैं, वो 150 करोड़ जो है वो जो है नशे में, या उनको इस तरह से दबा दिया गया है कि उनको कोई जनता है नहीं। एक सरकार है जो 240 है, 240 150 करोड़ में जो कहते हैं कि मैं हूँ तो सब कुछ है, और एक शेडो है जो विपक्ष कहती है, वो कहती है तुम्हें उठा के बाहर फेंक दूंगा, मेरी आ जाएगी, मैं भी वही करूंगा। तीसरा जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं वो अपने आप में कहते हैं कि तुम सब लूट रहे हो, हमें भी लूटने का मौका दो। तो ए और बी और सी, ए बी सी ये लूटने में लगे हैं, मानवता तार तार हो रही है। और उस लिए अगर मानवता को बचाना होगा, खास करके भारत का लोकतंत्र, लोकतंत्र जमहूरियत जो हमारा धर्मनिरपेक्ष राज्य है जिसको सेकुलर कहते हैं, उसको आज जो है धर्म की चाशनी में डुबो दिया गया है, नफरत की राजनीतिक बो दिया गया है। जिस राज्य में देखो, जिस समाज में देखो, हर जगह नफरत की बाजार चल रही है, एक मोहब्बत की दुकान लगा रहे हैं लेकिन मोहब्बत का आइटम और सामान नहीं है, तो ऐसी सूरत में हर कोई पूजा पाठ और नमाज पढ़ने में लगे हैं तो देश को कौन संभालेगा। आज अगर धर्म की बात करें तो धर्म जो है मंदिर और मस्जिद और घरों में होना चाहिए, लेकिन सड़कों पे तांडव करते हैं, घर सड़कों पे मौत आ रहा है। और आज क्यों हो रहा है, मैं पूछना चाहता हूं आपसे जर्नलिस्ट महोदय कि क्या नेता का, क्या जस्टिस का, क्या जजेज का बच्चा मर रहा है? आज हमारा जो है मध्यम परिवार के बच्चे, आज हमारे छोटे परिवार के बच्चे, हमारे गरीब जो है मूल निवासी हैं, अति पिछड़ा है, पिछड़ा है, दलित है, शोषित है, और जो है बाकी जो है हमारे जो बचे हुए लोग हैं वो लोग पीछे जाते हैं, और ये तमाम 2-4% लोग हैं मौज और मस्ती कर रहे हैं। और इसीलिए ह्यूमन राइट्स, मानवाधिकार, अधिकार तभी मिलेगा जब कर्तव्यों का सही ढंग से पालन होगा। हम कर्तव्य करते हैं, वोट देते हैं, खेती करते हैं, मजदूरी करते हैं, सारा टैक्स देते हैं, लेकिन हमारा अधिकार नहीं मिलता। और अधिकार लेने के लिए जब ये इनसे बात करते हैं तो ये कहते हैं आप भी सत्ता में आइए ना, तो हमने अभी हम सत्ता की बात तो नहीं कर रहे, हम कह रहे हैं कि हमारी 5 मांगे हैं उसको पूरा कर दीजिए। आप जो है चोरी जो कर रहे हैं, जो व्यवस्था हमारा इलेक्शन कमीशन में है, जहां पे आप जो है कमिश्नर को आप जो है सरकारी भरते हैं, वहां पे जर्नलिस्ट को बना दीजिए, कहीं किसी सोशल एक्टिविस्ट को बना दीजिए, जनता के द्वारा होने चाहिए इलेक्शन कमीशन, तो हम उसको कह रहे हैं कि उसकी व्यवस्था सुधरनी चाहिए। फिर हमने कहा कि हमारे जितनी भी पार्टियां हैं जो बात करती है वो एफिडेविट दें, और फिर हमने कहा कि जितनी पार्टियां हैं उनको समानता का अधिकार दीजिए। आज समानता का अधिकार कहाँ मिल रहा है?
एक पार्टी है, एक शेडो है और एक एक जो है क्षेत्रीय लोग हैं, बाकी कौन लोग हैं? तो वो एक ही थाली के चट्टे बट्टे राज कर रहे हैं और सभी को दबा रहे हैं। इसीलिए हम ये मांग लेके चल रहे हैं और ये मांग ले रहे हैं हम अहरा नेशनल पार्टी, जो ऑल इंडिया ह्यूमन राइट्स एसोसिएशन का ही ऑल इंडिया ह्यूमन राइट्स नेशनल पार्टी है, उसके अंदर हम सबसे पहले दिल्ली के अंदर 70 विधानसभा में महिला मातृत्व शक्ति को, औरतों को टिकट देने जा रहे हैं कि औरतें घर चला सकती हैं तो दिल्ली को भी चला सकती हैं। उसमें जात और पात ऊंच नीच की बात नहीं करने जा रहे, हम सिर्फ महिलाओं को देने जा रहे हैं, जिसमें थर्ड जेंडर भी आती हैं, जिसमें विकलांग भी आते हैं, उन तमाम लोगों को हम लोग जो है 70 के 70 अब दिल्ली के अंदर उतारने जा रहे हैं। और यहाँ पे कमल और हाथ और झाड़ू को देखेंगे कि अगर ये हमें एजेंडा लिख के देते हैं, वादा करते हैं कि ये काम हम किया है, ये काम हम करेंगे, हम उनके साथ खड़े होंगे, उनको साथ देंगे। लेकिन मुझे पूरा विश्वास है, मैंने इनसे पहले ही बात किया, ये कहते नहीं हमारा तो जुमलाबाजी होता है, हम तो बोलेंगे करेंगे कुछ नहीं। तो इसीलिए अहरा नेशनल पार्टी एक आईना एक सबक देने आई है और ये देख करके दिखाएगी। आप 1993 मैं आखिरी सवाल पूछूंगा उसके बाद, 1993 के दिल्ली लेजिस्लेटिव असेंबली इलेक्शन के बाद से ही आपने देखा होगा, आप बुद्धिजीवी हैं, समाजसेवी हैं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर की प्रसिद्धि है आपके पास, अच्छी तरह वाकिफ हैं कि यहाँ का इलेक्शन दिल्ली का बहुत महंगा होता है, कितनी तैयारी है आर्थिक रूप से? देखिए इसी सोच को हमें बदलना है। इसीलिए मैंने कहा कि महिला ही एक ऐसी ऐसा एक वर्ग है, एक समूह है, जिनके हाथ में अगर एक रुपया दे दो तो वो जो है 60 पैसा खर्च करेगी और 40 पैसा बचाएगी। तो वो जो है महिलाएं बचाएंगी भी और लड़ेंगी भी और एक ताकत के साथ लड़ेंगी, क्योंकि जिस तरह से वो घर चलाती हैं उस तरह से दिल्ली की विधानसभा को भी चलाएंगी। जो लोग महंगा कर दिए हैं, जो लूट और खसोट किया है, हम उन्हें को ही लूटेंगे और उनके जो सारे काला धन है निकाल करके दिल्ली के अंदर करेंगे। जो विज्ञापन में और जो ये सरकारी खर्चे में जितना भी पैसा ये लूटते हैं उसका 75% हम लोग उसको कम करेंगे। हमारी एजेंडा लिफाफा जिसमें जो है पूरा आपको एक खजाना मिलेगा आने वाले वक्त में, वो आपको दिया जाएगा। पूरा हम लोगों ने प्रोजेक्ट बनाया है, पूरी तैयारी के साथ हम लोग आ रहे हैं और इनको कहने जा रहे हैं कि जो आप लोगों ने एक राम को लाए, आप रामायण बना दिया, आप हनुमान को पूजा कर रहे हैं, राम का खड़ाव रखा गया, ये नहीं चलेगा। आप पर लोग कैसे विश्वास करें और क्यों विश्वास अब महिलाओं पर करना होगा, विश्वास हम पे नहीं, जनता जनता पे करेगी। जनता की सरकार होगी, महिलाओं की सरकार होगी। कांग्रेस पार्टी कहती है कि मैं इस देश को आज़ाद कराया और अंग्रेजों को इस देश कराया, इसलिए देश की जनता उस पर विश्वास करती है, 65 साल तक विश्वास की। बीजेपी पर इस देश में तमाम काम किए, विदेश जो बीजेपी के लोग थे वो कह रहे थे विश्व में डंका बज रहा है, उन पर लोगों ने विश्वास किया, आप पर क्यों विश्वास करें? अंग्रेज गए, हमें खुशी हुई, लेकिन आज हमारे नेता उन्हीं के एजेंडा को लेकर के तोड़ो और फोड़ो और शासन किया, हमें जात में बांटा, हमें धर्म में बांटा, हमें समुदाय में बांटा। अब जनता जाग गई है, जनता समझ गई है कि हमें लूटा जा रहा है, हमें बर्बाद किया जा रहा है और इसीलिए अब लामबद्ध होने की ज़रूरत आन पड़ी है। लेकिन हाँ, हम थोड़ी सी जनता के बीच में विश्वास देना है क्योंकि डरी जात धर्म के रूप में बांटा। देखिए पार्टी कांग्रेस हो, बीजेपी हो, आम आदमी हो, जो भी हो, हैं तो हमारे ही बीच में से, लेकिन ये सब वोट की राजनीतिक और सत्ता पाने के लिए किया है, इनमें किसी तरह का राष्ट्रभक्ति नहीं है। राष्ट्रभक्ति कहाँ से आएगा? हमारे जो युवा है, 65 करोड़ की आबादी युवाओं की है, जो यूथ इज पावर ऑफ गैलेक्सी कहा जाता है, उनको भटका के रखा गया है, उनको हमें आगे लाना होगा, उनको समझाना होगा। और ये जितने भी जो पुराने लोग हैं जो सातिरना तरीके से कहते हैं कि राजनीति गंदी है, वहाँ मत जाओ, और वो खुद अपने परिवारवाद को अंदर डाल करके शासन करते हैं और गवर्न करते हैं और हमारे ऊपर जुल्म करते हैं, उन मिथ्या को ख़त्म करने के लिए अब युवाओं को और ख़ास करके महिलाओं को आगे आना होगा। देश की राजधानी है और दिल्ली से ही आप सियासत में इस बार डेब्यू करने जा रहे हैं, शुरुआत यहीं से हो रही है। मैं ये जानना चाहता हूँ कि प्राथमिकता के आधार पर यहाँ की समस्या कौन सी है जिसे आप प्रायोरिटी देंगे? देखिए सबसे पहले दिल्ली जो है एक भारत की राजधानी है
अब भारत की राजधानी जिस तरह से जापान का टोक्यो, पेरिस, न्यूयॉर्क, आप जो है लंदन देखिए या बीजिंग देखिए, ऐसे शहर की तरह दिल्ली होना चाहिए था जो पूरे विश्व के लोग, 203 कंट्री के लोग आते हैं, एक नाक और एक इसका जो है मान होना चाहिए था। आज दिल्ली जो है गंदगी से भरा पड़ा है, आज हर तरफ कूड़े करकट लगे हैं, हर घर में गंदे पानी सप्लाई हो रहे हैं, बिजली के नाम पे, मीटर के नाम पे लूट हो रहा है, शराब बेचे जा रहे हैं, धंधा और चंदा हो रहा है, हर जगह कुछ न कुछ गड़बड़ियाँ हैं। दिल्ली आपको शहर नहीं बल्कि गांव को कहते थे पहले कि भाई वहाँ गोबर, गाय की गोबर फैला है, नाली फैला है। तो आज दिल्ली को देखिए ना, आज दिल्ली में अगर हम गौ माता कहते हैं तो आज हमारी गौ माता पॉलिथीन खा रही हैं। अरे उसको जरा सा रोटी, थोड़ा सा घी लगा के खिलाओ, थोड़ा सा उसको साफ सफाई कर दो, तो कौन कर रहा है, कौन देख रहा है? तो जिस तरह से अपनी माता को आप वृद्धाश्रम में भेज देते हो, उसी तरह से आप गौ माता को भी माता कहा, उसको भी सड़कों पे आवारा छोड़ दिया है, जो है वो 80 करोड़ लोगों को राशन देकर जीवित किया जा रहा है इस देश में, और गाय को आप कह रहे हैं घी लगा के। आपके पास डाटा है कि ऐसे हमारे भारत का गरीब जो इंडेक्स कहता है, जो गजट कहता है कि 6 करोड़ गरीब है, भारत का गजट कहता है, राजपत्र कहता है कि 6 करोड़ है, और 6 करोड़ गरीब है और 81 करोड़ को गरीब को दे रहे हैं, तो वो भाई बाकी गरीब कहाँ से आया, पहले तो वो पूछिए जाके आदरणीय माननीय सामान्य प्रधानमंत्री जी से कि किस कौन से गरीब को दे रहे हैं, कहाँ दे रहे हैं। तो ये फ़ोटो खाली खिंचाया जाता है। आज जो है ना राशन मिल रहा है, ना जो है शौचालय मिल रहा है, ना उसको जो है सिलेंडर मिल रहा है, जो सिलेंडर मिला वो चेयर बन गया चूँकि उसमें 1200 का जो है गैस नहीं भरा सकते। तो ये बोल वचन है, और इसीलिए कहा कि ये बोल वचन को ख़त्म करने के लिए आपको लिखित में देना होगा, जो लिखित नहीं दे रहे हैं। तो यही मांग लेकर के हम प्रधानमंत्री से और राष्ट्रपति से कह रहे हैं कि जो ये बोलते हैं वो पूरा करें, और नहीं करते हैं कि जनता को फिर लिखित में दे दो। जनता जो है आप लिखतम के आगे बक्तम नहीं, सड़क पे पूछेगी कि तुमने ये लिखा था, ये दिया क्यों नहीं, आपको सड़क पे बांधा जाएगा, पेड़ पे बांधा जाएगा, आपकी सदस्यता खत्म होगी, आपकी चल अचल संपत्ति जब्त होगी आपकी। तो ये करने के लिए तैयार नहीं, ये बात ही करते। तो इस तरह से ये तानाशाह चल रहा है, हिटलरगिरी चल रहा है, और इसीलिए मानवता ही एक विकल्प है कि मानवता के आधार पर बिना जात पात हटाए आप सब लोग को मिल कर करके एक अच्छा नैरेटिव, एक अच्छा भविष्य बनाइए, एक अच्छी सोच बनाइए, और अपने राज्य को और पूरे भारत को एक आईना दिखाइए। समाज और सियासत दोनों की एक जाना माना चेहरा इस वक्त, मीडिया का भी मैं कहूँगा कि बहुत पॉपुलर चेहरा गुलाम सरवर साहब बैठे हैं। एक सवाल सर आपसे भी है मेरा, दिल्ली की सड़कों पर जगह जगह सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से पोस्टर लगा, पिछले 9 साल में 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा से बाहर आए, क्या कहना चाहेंगे आप, कोई कमेंट? देखिए हम लोग इस डेटा पर बात बिल्कुल नहीं करेंगे, अभी 2-3-4 जो पीछे मुद्दे लिखे हैं, ऑल इंडिया ह्यूमन राइट्स के चेयरमैन हैं आप, और आपको पता है इन्होंने पॉलिटिकल पार्टी क्यों बनाई, वो सारी दास्तान तो आपने सुनी। इसमें जो पॉइंट्स लिखे हैं उसमें 2-3 महत्वपूर्ण बिंदु है। एक ये है कि जो भी पार्टियाँ वो शपथ पत्र दें। अभी सवाल किया था हमारे भाई ने कि आप पर भरोसा क्यों करें, जाहिर सी बात है हम पे क्यों भरोसा करें, ये सवाल हम दूसरों से भी कर सकते हैं, केजरीवाल पर हम क्यों भरोसा करें, मोदी जी पर क्यों भरोसा करें, तो पता चला कि भाषण पे ही तो भरोसा हो रहा है। तो डॉक्टर एम यू दुआ साहब ने कहा नहीं, भाषण पे भरोसा नहीं करेंगे, भाषण में धोखा हो रहा है, जैसे 15 लाख कहा गया था तो धोखा हो गया, फिर कहा गया था 2 करोड़ सरकारी नौकरी या जॉब जो भी कहा गया उस पर भी धोखा ही हुआ है, तो जो कुछ किसानों की आय दोगुनी होगी वहाँ भी धोखा ही है। तो हम तो भरोसा ज़बान पे करते आए, धोखा मिलता गया, तो मेरी ज़ुबान पे भी भरोसा मत कीजिए, इनकी ज़ुबान पे भी भरोसा मत कीजिए, लेकिन किसी नेता की ज़ुबान पे मत कीजिए, लिखत पे भरोसा कीजिए। अब गाँव के लोग कहते भी हैं लिखतम के सामने बक्तम नहीं चलता, तो सबसे अच्छा है। तो इसलिए ये महत्वपूर्ण बिंदु है कि आप शपथ पत्र दीजिए जनता के बीच कि यदि हमने कहे गए वचनों को पूरा नहीं किया तो हम जो है, जैसे मैंने राइट ऑफ रिकॉल टाइप का हो जाना चाहिए, जनता को फिर ये अधिकार हो जाना चाहिए कि हमारा आपसे एग्रीमेंट हो गया है, ऐसा नहीं कि हमने वोट डाला
और बूथ से बाहर निकलने के बाद हमारे पल्ले कुछ भी नहीं है। कौन जीतेगा कौन हारेगा उससे हमारा क्या लेना देना, जनता के साथ तो यही हो रहा। हम तो वोट ही नहीं डाल रहे हैं, वोट डालने के बाद जो जीता वो सिकंदर, बाकी सब अपने घर के अंदर। तो हम चाहते नहीं, पाँच साल तक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनी रहे तो शपथ पत्र पार्टियां दें। तो ये एक बेहतर मांग है इनकी, और एनपी ने जो ये मुद्दा उठाया मुझे लगता है कि मीडिया के माध्यम से जनता तक बात जाएगी, जनता भी कहेगी कि हाँ ये होना चाहिए। उससे क्या होगा कि जब पार्टियां शपथ पत्र देंगी, दूसरा मुद्दा एक और प्रमुख है, संवैधानिक पदों पर रहते हुए चुनाव प्रचार का कमान संभालना, चुनाव प्रचार करना। आपने पिछले कई दिनों कई चुनाव को देखा होगा, राज्य के मुख्यमंत्री हों या देश के प्रधानमंत्री हों या देश के अन्य मंत्री हों, लगातार महीनों महीनों चुनाव में अपना समय लगाते हैं। अब प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, केंद्रीय मंत्री, जिनके ऊपर बहुत सारा काम रहता है, बोझ रहता है, बहुत बड़ा देश हमारा भाई, दुनिया के माने बड़े देशों में नंबर एक दो की बात कही जाती है, और लोकतांत्रिक दृष्टिकोण से तो सबसे बड़ा देश है, नंबर एक का। तो ऐसे में इस देश के प्रधानमंत्री और राज्य के मुख्यमंत्री को चुनाव प्रचार में समय नहीं देना चाहिए। आप जो काम करेंगे जनता खुद वोट देगा। तीसरा मुद्दा जो अभी दुआ साहब ने आपके सामने रखा ही है, विज्ञापन का। हमारे देश में मैं अभी चल रहा था, आपकी भी नज़र पड़ी होगी, बस स्टैंड पर बिहार सरकार का प्रचार, झारखंड सरकार का प्रचार, उत्तर प्रदेश सरकार का प्रचार, दिल्ली में बस स्टैंड पर, अलग अलग रेलवे स्टेशनों पर, किस चीज़ का प्रचार है भाई? क्यों प्रचार कर रहे हैं? घर से हम जब बाहर निकलेंगे, सड़क अच्छी होगी, हम देखेंगे, हम खुश हो जाएंगे, वोट डालेंगे। फिर एक्स्ट्रा करोड़ों का होर्डिंग लगाकर ये दिखाना, आपने दिल्ली में देखा होगा एक ट्रेंड चला था, बधाई ओखला, आपके यहाँ 70,000 करोड़ का काम हो गया, ओखला में कुछ ना हुआ। जब से मैं हूँ 10 साल से मुझे लग रहा है जैसा था उससे और ख़राब अब दिख रहा, अच्छा नहीं दिख रहा। बधाई ओ किराड़ी, आपके यहाँ 500 करोड़ का काम हो गया, इतना इतना गड्ढा किराड़ी में है, और जाना होगा आपको बंगाल तो जाना पड़ेगा पहले महाराष्ट्र, यानी जाना है आपको खान साहब के घर तो शुक्ला जी, दुबे जी, पासवान जी के यहाँ घूमते हुए तब जाना पड़ेगा। रास्ता ही नहीं है, सारे रास्ते टूटे हुए, जाना है ए ब्लॉक और जेड ब्लॉक की तरफ गाड़ी मोड़ना पड़ रहा, ये स्थितियाँ बनी हुई हैं। तो ये बधाई का जो होर्डिंग लगा वो पैसे कहाँ से आए, क्यों उसका इस्तेमाल क्या हुआ? आप अगर सड़क बना देते तो आपको होर्डिंग लगाने की ज़रूरत नहीं, तो फिर जनता अपने पैसे से लगा सकती है कि बहुत अच्छा काम किया सरकार आपने, आपको मेरी तरफ से बधाई। लेकिन यहाँ उल्टा हो रहा, शायद आप लोगों की नज़र पड़ी होगी बधाई वाला, केजरीवाल सरकार में नया चला था, बधाई फला विधानसभा तुझे मैंने दिया इतना, ये तो ऐसे दे रहा है जैसे लग रहा है कि अरे भाई ऐसे ही अगर दे रहे हो तो इधर भी फेंक दो 10-20-50 करोड़, हम भी लेके चले जाएं। हो क्या रहा? कहीं काम नहीं। संगम विहार जाइए, देवली जाइए, अंबेडकर नगर जाइए, आप यहाँ खड्डा कॉलोनी तो देख ही रहे हैं ना। तो मैंने ओखला का एक बारिश एक घंटा हो जाए, जो कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, मथुरा रोड बगल में है, उसके बाद वो फ्रेंड्स कॉलोनी है, एक घंटे की बारिश में जल और थल हो जाता है, इतने इतने पानी में। करंट लगने से किराड़ी में अभी 3 लोग मरे, करंट लगने से पानी में, बारिश में। किराड़ी विधानसभा की बात बता रहा हूँ, नागलोई से लेकर और मुंडका तक 1.5 फुट पानी, मुख्य मार्ग जिसको हम नेशनल हाईवे कह सकते हैं, जिसको रोहतक रोड कहते हैं, आप लोग को पता होगा रोहतक रोड हमारा जो है सेंसिटिव रोड है, वो फौज के मोमेंट के लिए बना था, कैंट आने जाने के लिए, वो रोड सीधे जाते जाते फतेहाबाद होते हुए बॉर्डर तक जाता है। ऐसी सड़कों पर 2-2 फुट पानी मुख्य मार्ग पर दिल्ली में अभी जमा है, कोई आरोप प्रत्यारोप नहीं भाई, अभी जमा और वीडियो मौजूद है, देख लीजिएगा। तो ये अंडर क्या बोलते हैं पास, अंडर पास दिल्ली के 50% ऐसे थे जो पानी से 6-6 फुट 4-4 फुट सब में भर गए थे। लेकिन आप जो ये पोस्टर में सामाजिक न्याय की बात कर रहे हैं, आप वहाँ भी आ जा रहा हूँ, वहाँ भी एक मिनट, आप अच्छा आपने याद दिला दिया तो जल्दी से वहीं आ जाऊँगा। तो कुल मिलाकर जनता को ठगा गया है, तो शपथ पत्र से क्या होगा कि एक जिम्मेदारी बढ़ेगी पार्टियों की और जनता को अधिकार मिलेगा कि हम उनको गिरेबान पकड़ सकें कम से कम। सामाजिक न्याय और भागीदारी की बात, दिल्ली के अंदर अब 1-2-3 दशक से ज़्यादा अब हो गए लगभग सरकार लेजिस्लेटिव असेंबली बने हुए, लेकिन अभी तक यहाँ जो व्यवस्था है उसमें आबादी के अनुपात में किसी भी वर्ग को समुचित प्रतिनिधित्व नहीं मिला। ठीक है, कहीं ना कहीं प्रत्यक्ष या परोक्ष हर हाल में उनको ज़्यादा से ज़्यादा तवज्जो दिया गया जो पहले से ही मैंने सामाजिक दृष्टिकोण से भी श्रेष्ठ हैं और आर्थिक दृष्टिकोण से संपन्न हैं।
तो सवाल ये होता है वोट हमारा राज तुम्हारा क्यों चलेगा। इसलिए ये बातें लिखी गई हैं कि हम भागीदारी। अब जैसे महिला की बात इन्होंने की, महिला मुख्यमंत्री दिल्ली में हो चुकी हैं, लेकिन महिला मुख्यमंत्री होना, महिला महामहिम राष्ट्रपति हो जाना, प्रधानमंत्री हो जाना, ये भी समस्या का समाधान है। वैसे तो अल्पसंख्यक राष्ट्रपति दो तो तीन तीन चार बार हो गए, मसला तो हमारा हल नहीं हुआ। राज्यपाल कितने हो गए मुसलमान, तो वैसे महिला आबादी के अनुपात में या तो 50% भागीदारी हो, तो उसको काउंटर करने के लिए एक मॉडल बनाने के लिए इन्होंने कहा कि हम 70-70 इस बार सरकार ही महिला को चलाए। भाई तुम इतने दिन चलाए, पुरुष इतने दिन चलाए, महिला कम से कम इतने दिन चलाए। एक बात और समझिए, महिलाओं के विषय में आप लोग जानते हैं, महिला भले लड़ती बहुत है मगर मिलती जल्दी है। तो हमारे यहाँ लड़ने के बाद दीवारें लंबी खींची जा रही हैं, कम से कम महिला राजनीति में आएंगी तो ये जो दीवार नफरत की खड़ी हो रही है उसको गिराने में, चूँकि महिला का एक नेचर है वो नफरत की दीवार को बहुत लंबा नहीं खींचती हैं, वो जल्दी से तोड़ती हैं, लड़ेगी भी फास्ट तो माने मिलेगी भी फास्ट। तो कम से कम ये जो नफरत वाली पॉलिटिक्स है उसको काउंटर तो किया जाएगा। तो एक फार्मूला है, कोई ज़रूरी नहीं कि 70-70 कल घोषणा ही हो रहा। एक प्रस्ताव दिल्ली की जनता को दिया गया है ताकि क्या ऐसा भी हो सकता है, क्या ये भी हो सकता है क्या, लेकिन सामाजिक भागीदारी को सुनिश्चित करना ये कर्तव्य बनता है सबका, उस पर हम लोग लगे हुए हैं। अरविंद केजरीवाल जी जब इस्तीफा दिए तो जो दिल्ली की जनता है लगातार उनके बीच में जाकर जो अदालत, जनता की अदालत लगाएं, क्या कहेंगे आप? नहीं ठीक है, जनता फैसला करेगी, अदालत अभी क्या को लगाएं, चुनाव अदालतें होता है कि चुनाव में तो सब फैसला हो जाएगा। चुनाव जो है वो लोकतंत्र का सुप्रीम कोर्ट है चुनाव, वो फैसला जो होगा वो 5 साल के लिए अटल हो जाएगा। तो वो अदालत लगा लें, वो कुछ भी कर लें, अब वो बैक हो चुके हैं, केजरीवाल जी बैक हो चुके हैं, उनका सारा पोल खुल गया है और विकास का ढोल फूट चुका है, विकास कहीं हुआ ही नहीं। और जो ईमानदारी और स्वच्छ छवि दिखा रहे थे वो उनके शीशा वाले और मार्बल वाले मकान और पर्दा का तो आप लोगों ने सुन ही लिया है, वो भी खुल गया। और एक पर एक फ्री वाला भी आपने देखा, तो वो घोटाला भी सामने आ गया। एक जेल जाते कोई बात नहीं, एक गए, दो गए, तीन गए, टोटल 5 इनके 6 जा चुके हैं, 6 गए हैं, टोटल विकेट होता ही है 10। चुनाव से पहले पहले 4 विकेट और गिरेगा, मेन जो प्लेयर था बॉलर बैट्समैन वो तो सब गिर गया। अरे मुख्यमंत्री केजरीवाल गए क्लीन बोल्ड, तो उप मुख्यमंत्री वो भी क्लीन बोल्ड, स्वास्थ्य मंत्री तो बेचारे का स्वास्थ्य खत्म हो गया, जेल भी गए और स्वास्थ्य भी खत्म हो गया। अब चौथा भी गए, पाँचवा उनके यार वक्फ बोर्ड के चेयरमैन थे वो भी जेल, 2 बार गए फिर अभी जेल में। तो ये विकेट जो गिर रहा है इनके विधायकों और मंत्रियों का, ये मामला ख़त्म है। मनीष सिसोदिया को शिक्षा का भगवान माना जाता है दिल्ली नहीं, वो देखिए जिनको टिकट लेना रहेगा उनके लिए तो केजरीवाल ही भगवान है, उसकी भाषा हम लोग इस्तेमाल नहीं करते हैं। जिसको टिकट चाहिए वो सुबह शाम आरती उतारेगा, केजरीवाल तो महान है। जिनको कांग्रेस से टिकट चाहिए उनके लिए राहुल महान है, जिनको भाजपा से टिकट चाहिए उनके लिए मोदी महान है। हमको तो किसी से टिकट नहीं चाहिए, तो हम जनता महान, हमारे लिए हम चाहते हैं जनता को एक सही संदेश जाना चाहिए।